काफी समय से चल रहा आशा वर्कर का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा और आज महिला दिवस और भी तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अम्बाला शहर में आशा वर्कर ने डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और अपना रोष प्रकट किया। बीते दिनों आशा वर्कर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसे लेकर आशा वर्कर में काफी रोष है और वे गृह मंत्री से काफी नाराजगी जता रही हैं। रानी देवी राज्य की उप प्रधान का कहना है कि 17 फरवरी को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया था, उसके साथ जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ बेअदबी हुई। मंत्री ने अपने बल के आधार पर आशा वर्कर के साथ जो सलूक किया उसी के संबंध में 8 मार्च महिला दिवस पर अपना रोष प्रकट कर रही हैं। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट। मेरा नाम रानी देवी है, मैं राज्य में उप प्रधान हूँ और जो आज 8 मार्च है महिला दिवस का और आज रोष प्रदर्शन निकाला जा रहा है सारे हरियाणा के अंदर। आशा वर्कर हैं, आज आंगनबाड़ी वर्कर हैं और मिड डे मील है, तीनों स्कीम वर्कर हैं। जो तीनों स्कीम वर्कर हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर के साथ 17 फरवरी को आए थे पंचकूला के लिए, तो पुलिस प्रशासन ने और जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने अपने बल के साथ क्या किया आप सब साथियों ने पता। 17 तारीख को जब अम्बाला स्वास्थ्य मंत्री का घेराव था, आशा वर्कर आई थी, तो उस दिन भी सारी जगह से अम्बाला में मतलब पुलिस का बल इतना छोड़ रखा था मंत्री जी ने कि यहाँ पर कोई पहुँच ना पाए। तब भी हमारी बहनें यहाँ पर पहुँची और यहाँ से बसों में इकट्ठा कर करके उनको किसी को किसी चौकी पे छोड़ कर आई, किसी को किसी चौकी पे। इसके ऊपर आज 8 मार्च का हम पूरे हरियाणा के अंदर रोष प्रदर्शन निकाला जा रहा है महिला दिवस है आज के लिए। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं आप इन महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमने आज का दिन महिला दिवस का ही चुना। मैं सरबजीत कौर, आशा वर्कर, PSC पंजोखरा। आज जो सरकार का रवैया है 17 तारीख को रहा है हमारे साथ 17 फरवरी को, तो उसके खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। जैसे कि कुछ लड़कियों को बसों से उतारा गया, जैसे PSCs में के अंदर ट्रेनिंग का बहाना लगा के लड़कियों को रोका गया, ये सरकार के उस रवैये के खिलाफ हमारा आज प्रदर्शन है। क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और इससे बढ़िया अच्छा दिन नहीं हो सकता अपनी मांगे सरकार के आगे रखने का। क्योंकि आज कहते हैं ना वुमेन्स डे, तो वुमेन्स डे के लिए इसीलिए हमने आज का दिन रखा है क्योंकि आज हमारी सरकार के लिए मांगे जाने जरूरी है। नहीं वुमेन्स डे है पर आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताते हैं, तो आज तो हमारी सुन लो, अगर समझौते लागू हुए थे किए थे वो चाहते हैं हमारे दोबारा लागू करें। उनसे सरकार जो मुकर रही है, जो तानाशाही सरकार का रहा रवैया वो हठधर्मी ख़त्म करनी है। ये सरकार की ही नीति है जिसकी वजह से आज महिला दिवस के दिन हम आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार की नीतियों के कारण जो हमारे साथ सबको मजबूर किया, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का प्रदर्शन करने का, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है, इसलिए हम लोगों ने आज का दिन चुना है, इसलिए हम आज के दिन यहाँ बैठे हैं।